सभी किसान भाइयों को राम राम। आम तो आज हम दीमक नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर सभी फसलों में दीमक का प्रकोप होता है। फल वृक्षों में दीमक का प्रकोप प्रमुख रूप से आम, नींबू, अमरूद, चीकू तथा अनार का शत्रु है। इसके अलावा ये खाद्यान्न फसलों जैसे मक्का, गेहूँ, उड़द, मूंग, सोयाबीन आदि में फसलों में ये बहुत नुकसान करता है। दीमक पौधों की जड़ों तथा भूमि से सटे हुए तने के भाग को खोखला कर देता है। दीमक लाखों की संख्या में खेतों में पैदा होती है और ये कच्चे गोबर के साथ खेतों में काफ़ी संख्या में बढ़ती चली जाती हैं, जिससे खेतों में फसलें खड़ी फसलें ही अपने आप सूखने लग जाती हैं, जिससे किसानों को पता भी नहीं चलता है कि हमारी फसल क्यों सूख रही है, क्योंकि अंतिम स्टेज फसल पकने के अंतिम स्टेज तक दीमक लाखों अंडे दे देती है और उनसे लाखों बच्चे निकल जाते हैं और वह फसलों के जड़ों को काट के नष्ट करने लग जाते हैं, जिससे फसल खड़ी खड़ी ही सूखने लग जाती हैं। अतः दीमक का नियंत्रण करने के लिए हम यहाँ पर निम्नलिखित उपाय बताऊँगा। फर्स्ट, यहाँ पहला उपाय, खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें। खेत में बचे हुए डंडल, घास, जड़े और कचरे को एक जगह इकट्ठा कर जला देवे। दूसरा उपाय, अच्छी प्रकार सड़ी हुई खाद का प्रयोग करिए, क्योंकि अगर अपन कई बार क्या होता है, किसान भाई कच्ची गोबर का को ही खेत में डाल देते हैं, जिससे उस दीमक का प्रमुख स्रोत वही है, क्योंकि उससे दीमक उत्पन्न हो जाते हैं। खाद में दीमक लगी हो तो क्विनाल पोस 1.5% चून मिला दीजिए। रोड़ी, अब जो रोड़ी होती है खाद की, उसमें नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गंध से दीमक दूर भागती हैं। तीसरा उपाय, बुआई करने से पहले खेत में क्विनाल पोस 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देवी। चौथा उपाय, गेहूं जो में 4 मिलीलीटर तथा चने में 8 मिलीलीटर तथा मक्का में 8 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित कर तत्पश्चात छाया में सुखाकर बुआई करें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc सिंचाई के साथ प्रति हेक्टेयर देवे। फलों में वृक्षों के तने के पास जमीन में 25 से 30 या 50 ग्राम के लगभग क्विनाल पोस 1.5% मिला देवे या तरल क्विनाल क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc पानी में मिलाकर सिंचाई कर देनी चाहिए। पानी की कमी होने पर पौधे सूख जाते हैं और दीमक के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है। अतः फसलों की समय पर सिंचाई करें। फसल के कटने के बाद खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें। गर्मी की जुताई करने से क्या होता है कि किसान भाइयों, जो दीमक के अंडे होते हैं वो ज़मीन के अंदर से, हम जैसे गहरी जुताई करेंगे तो वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते सूर्य की तेज धूप के कारण वह अंडे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पशु पक्षी होते हैं वे भी दीमक के बच्चों को खा जाते हैं। इस प्रकार हम दीमक का अच्छे प्रकार से नियंत्रण करें। इसके अलावा हम सबसे बेस्ट इलाज यही है कि दीमक का अपनी जो रोड़ी होती है, गोबर नागते हैं वहाँ पर हम अपनी नीम की जो पत्तियाँ होती है या निम्बोली होती है वह उसे डालें। इसके अलावा अगर हो सके तो अपने खेत में निम्बोलियों और नीम के पत्तों का उपयोग अवश्य करें, जिससे कि खेत दीमक उत्पन्न ना हो। इसके अलावा अपन को गोबर की खाद जो अपने खेत में डालते हैं, कभी भी कच्ची गोबर ना डालें। इसके अलावा जो खेत में अपनी पुरानी फसल की, पिछली वाली फसल की जो अवशेष बचे हुए उनको नष्ट कर देना अवश्य है। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, थैंक यू।